तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर के सर्व मित्र। बताना चाहते हैं, सूचनाएं आती हैं, आना जाना लगा रहता है। जीव जंतुओं को बचाने के लिए एनी टाइम हमारी टीम का उद्देश्य जितना ज़्यादा जीव जंतुओं को बचाया जाए वैसे ही अपना पर्यावरण का बैलेंस बना रहे। तो आज का रेस्क्यू कॉल आया है, सुबह सुबह का वक्त है, भैया ने फ़ोन किया था। सर अपना नाम पता बताओ। गणेश सैनी। गणेश सैनी, रामकृष्ण नगर, गुसाईगंज। तो यहीं के मूल निवासी, इनके यहाँ घर के अंदर जो बाथरूम है उसके अंदर कोई सर्प देखा गया है। सर्प है वो कामन करैत बताया जा रहा है। तो इन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये भैया रात्रि से फ़ोन कर रहे थे तो आने में थोड़ी देरी हुई, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो लेते हैं दो चार मिनट का वक्त, निकालते हैं उस सर्प को, फिर बताते हैं उस सर्प से जुड़ी विशेष बातें। इन भैया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जीव जंतुओं के प्रति दया रखने के लिए, जीवों को बचाने के लिए। तो आइए निकालते हैं, दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये इनका निवास स्थान है, ये मकान है, और जो सर्प है तो इस बाथरूम के अंदर बैठा है। तो इन भैया ने जागरूकता का परिचय देते हुए ये जो बंद कर दिया है, इसका गेट बंद कर दिया, नीचे ये लगा दिया ताकि वो निकले ना। देख सकते हैं ये जो सर्प है, कैमरे में दिखाओ, ये बिल्कुल शांत बैठा है। इसी को कामन करैत बोलते हैं, इसी को साइलेंट किलर, निशाचर, रात्रि में चलने वाला सर्प। ये भारत का सबसे जहरीला सर्प है और ये अक्सर बिस्तरों में भी देखा जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसने कुछ खाया है। इसका जो एब्डोमन है, एब्डोमन के आगे देख रहे हैं कितना मोटा है। इसने कुछ खाया है, किसी जीव को खाया और ये शांत बैठा है। तो ठीक है, इसको परेशान नहीं करना चाहेंगे, इसको पहले बाहर निकालते हैं। ऐसा करते हैं, इसको बाहर नहीं निकालते हैं क्योंकि इसने जो खाया है उसको ये वॉमिटिंग कर देगा। इसको यहीं पैक करते हैं, डब्बा देना भैया। क्योंकि सांपों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये सही बात है। रात्रि के अंधेरे में निकलने वाला सर। देख सकते हैं इसने कितने बड़े जीव का शिकार किया है। Thank you.
जैसा कि आप लोगों को बता दें, ये भारत का सबसे जहरीला सर्प है और तो आप लोग रात्रि के समय जब भी निकले हैं, सबसे पहले कितने देखा था, कितना टाइम देखा था? हमने देखा था। तो भैया की सूझबूझ काम आए, रात्रि के समय जब भी निकले हैं, आप लोगों के हाथों में रोशनी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सर्प जब भी काटते हैं जब इनके ऊपर पैर पड़ जाए। और सर्पों की प्रजातियों में सबसे छोटे दांत इसी सर्प के होते हैं। जब ये सर्प काट लेता है तो एक बार व्यक्ति को पता नहीं चलता है, क्योंकि बहुत छोटे दांत होते हैं। तो जब इसके लक्षण हैं, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि किसी सर्प ने काटा है। तो इसके लक्षण हैं, लगभग 20 से 25 मिनट के बाद धुंधलापन छाना, चक्कर आना, उल्टी, दस्त होना, तो आप समझ लो कि जहरीले सर्प ने काटा है। तो इन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर्प, एक सर्प की जान बचाने के लिए। और शिक्षित हैं आप लोग, अंधविश्वास को बढ़ावा दें। जब ये सर्प काट लेता है आप सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, झाड़ फूंक जड़ी बूटी मंत्र तंत्र इसके चक्कर में बिल्कुल अपना समय बर्बाद ना करें, ऐसे में लोगों की जान चली जाती है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं हमारा जो काम है आप लोगों को कैसा लगता है, आप कमेंट में अपनी राय दें। लेकर चलते हैं इसको प्राकृतिक परिवेश में, तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, जो भारत का सबसे जहरीला सर्प निकला था गुरसाईगंज की एक कॉलोनी से, नाम नहीं ध्यान आ रहा है कि वो जगह कौन सी थी। तो जो सर्प था वो कामन करैत था, लोकल भाषा में कोयलियागड़े था, हमें लोगों ने नाम दिया है। तो भारत का सबसे जहरीला सर्प है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा उसके पैटर्न को, जो ब्लैक होता है, सफ़ेद वाइट जो लाइनिंगें होती हैं, तो उसने किसी बड़े जीव का शिकार किया था। आपने देखा होगा उस वीडियो के माध्यम से, घर के जो आनर थे वो काफ़ी देर से परेशान थे, भयभीत थे, तो उन्होंने उसको उसी टॉयलेट में बंद कर दिया था। तो उसको सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, और जैसा कि आप लोगों ने देखा, इसका एक जो साइलेंट किलर जिसे इसे बोलते हैं, तो इसका एक सिस्टम होता है सर्प का, कितना तेज़ छिटकता है, तो अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में इसको छिटकुआ सर्प भी बोलते हैं। तो इसको ले आए सुरक्षित वातावरण में रिलीज करें। देख सकते हैं यहाँ खेत खलियान है, खुले मैदान है, जंगल है, ऐसे में सांपों का रहना और सरवाइव करना लाजमी है। तो इस सर्प को यहीं रिलीज करते हैं। नींद में मौत की नींद सुलाने वाला यही सर्प है, देख सकते हैं कैमरे में आप लोग, इसको पहचाने इस सर्प को। ये जो सर्प है ये सबसे जहरीला सर्प है, तो इसको निकालते हैं, इसको हाथ ना लगाया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और वहाँ भी ऐसी स्थिति थी कि टिल को होल्ड करना पड़ा, जो जगह थी वहाँ से निकल कर भाग जाता तो फिर टाइम लेता निकल ढूंढने में मिलने में। देख सकते हैं जैसे ही निकला और तुरंत ये अपने वातावरण में जाने की कोशिश कर गया, चला गया है। तो आप लोग सांपों को पहचानने में गलती न करें, देख सकते हैं वो अपने वातावरण में तुरंत। और ये हाईली वेनमस न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है, ये सर्प अपने आप में खुद एक महारत हासिल है जहर के प्रति। तो ये चला गया है। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, जीव जंतुओं को बचाने में हमारी मदद कीजिए। जब कोई प्राणी या सर्प निकलता है, आप लोग दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर सूचित कर संपर्क करें, जीव जंतुओं को बचाने का एनी टाइम प्रयास रहता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ लेते हैं अलविदा, फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।